तो गाइस जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा इंस्टाग्राम रील वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो सिंपली हम लोग वही आज अपने मोबाइल में अलर्ट मोशन के थ्रू बनाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिया रहेगा, दोनों दो प्रोजेक्ट का लिंक है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। प्रोजेक्ट के लिंक डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे इंसर्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली जहाँ आपने डाउनलोड किया रहेगा वहाँ पर चले जाना है। तो जैसे मेरे ये डाउनलोड किया, तो इसको यहाँ पर सिंपली यहाँ से क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करके रखना है, आपको यहाँ से सेंड टू करना है। सेंड टू करने के बाद आपको अपने अलाइट मोशन में इसको इंसर्ट कर लेता है। तो जैसे कि मैंने ये वाला भी नहीं किया, तो इसको भी दोनों को इंसर्ट कर लेता हूँ अलाइट मोशन में। तो अब हम अलाइट मोशन में जाते हैं अपने, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंपोर्टेड करके दिखा रहा है, तो यहाँ पर दो आ जाएंगे। तो हमको यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करना है, ये जो बीट बाय आरटीएम क्रिएटर है इसको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। मैंने आपको जो इमेज वीडियो दिया रहेगा उसको मटेरियल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज है, वीडियो है, तो इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर जहाँ पर वीडियो ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको जाना है। तो जाने के बाद फिर से आपको एक इमेज ले लेनी है, तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो गाइज मैंने ये इमेज ले ली, इसको ऐड कर देता हूँ। इसके बाद इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिल स्क्रीन कर लेते हैं। फिल स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ऑडियो के थ्रू इतना कट कर लेना। तो सिंपली यहाँ पर ऑडियो ख़त्म हो रहा है, तो इस पर क्लिक करके हम लोग लेफ्ट टू कट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो रहा है उसके थोड़ा सा पहले आपको क्या करना है, फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इफेक्ट का लिंक दिया जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से ब्लेंडिंग में जाना है, ब्लेंडिंग में जाके लिटन में जाके लाइटिंग में जाके इसको स्क्रीन इफेक्ट दे देना है। स्क्रीन इफेक्ट देने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाना है यहाँ पर, यहाँ तक के लिए, और इसको सारे वीडियो को हटा देना है। आप हटा भी सकते हैं या फिर इसको रहने भी दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ तक लास्ट तक हम जाके जितना अननेसेसरी पार्ट है उसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो सेकंड वाला प्रोजेक्ट दिया रहेगा, तो यहाँ से बैक जाके यहाँ पर आरटीएम शेक इफेक्ट में जाना है, यहाँ से हम शेक इफेक्ट दे देंगे। सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर इफेक्ट में जाके यहाँ से इफेक्ट को आपने कॉपी कर लेना है, सॉरी यहाँ से कॉपी कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था तो मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर से यहाँ पर बैक जाना है, आपने मेन प्रोजेक्ट में जाना है। तो गाइस मैं आ गया अपने मेन प्रोजेक्ट में। अब आपको क्या करना है, ये इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाकर यहाँ से आपको इमेज पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा शेक इफेक्ट आ गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सिम मैं ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत लैग दे रहा है, जो कि आप प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर दोगे तो लैग नहीं देगा। आप डाउनलोड कर सकते हो, आप अलाइट मोशन यूज़ करते होगे तो आपको पता ही होगा। तो सिंपली मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कैसा बना है। तो गाइस जितने भी मटेरियल लिंक है सब आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, तो सिंपली आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इजीली आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट ओपन करने के लिए। तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आपको ज्वाइन करना। और ऐसे तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कुछ सजेशन है हमारे लिए तो हमारे लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको एक्सपोर्ट होने तो थोड़ा टाइम लेगा।